हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। सो आज हम बनाएंगे निहारी। तो नली निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले अनियंस को ब्राउन करना है। तो यहाँ पे दो अनियंस के स्लाइस मैंने कर लिए थे और बस अभी इसे अच्छी तरीके से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और जैसे कि मैंने अनियन को स्लाइस किया है, बारीक बारीक चॉप नहीं किया है, तो बस इस तरीके से हमें काटना है। और जब ये ब्राउन हो जाएगा, उस स्टेज पर आ जाएगा, तब बाकी के इंग्रेडिएंट जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे अनियंस है, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। तो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, करीबन 1 टेबल स्पून। और इसकी रॉ स्मेल निकलने तक बस हमें इसे भूनना है अच्छे से। और उसके बाद हम डालेंगे हमारा जो नली है, वो सब हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो नली है, ये सारी इसमें मटन लगे हुए हैं, तो बस अब इसमें डाल देना है। बेसिकली नली जो है वो जॉइंट्स होते हैं, तो बस इसमें अच्छे से इसे डाल देना है। और इसके साथ में हम गोश्त भी डालिए, बट इसमें गोश्त लगे हुए थे ऐसे, तो इसीलिए मैंने अलग से गोश्त इसमें ऐड नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ नली डाली है इसमें। तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और इतना झटपट से बनेगा, इतना मज़े का बनेगा, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखिए बस इसे अच्छे से अभी मैं भूनूंगी, भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर अनियंस के साथ में बस इसे भूनना है अदरक लहसुन के साथ, तो बहुत ही झटपट बन जाएगा ये और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने नली निहारी बनाई है और वो भी इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनाई है आपने। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी और झटपट से बन जाती है इसीलिए और भी अच्छा है। तो बस इसे कुकर में ही आप बनाएं, अगर आपको दूसरे बर्तन में बनाना है तो उसमें वक्त बहुत लगता है। तो अभी सॉल्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर और अभी इसको अच्छे से फिर से भूनेंगे हम। मैंने करीबन इसे 10 से 15 मिनट भूना था, अच्छे से भूना था। फिर उसके बाद में मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट जो है इसमें डाल दिए थे। तो हाई फ्लेम पे मैं इसे बस भून रही हूँ और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो आप इसके अंदर जो है अनियंस डाल दीजिए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर वापस से एक बार अनियंस डालूंगी। और ये कच्चे अनियन है जो कि 2 है मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए, तो बस अब इसके अंदर ये डाल देंगे अच्छे से। और अभी जो है फ्लेम मैंने एकदम धीमे किया हुआ है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमें दही भी डालनी है तो वो फट जाएगी, इसीलिए फ्लेम स्लो करके आपको डालना है दही अच्छे से फेंट के। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ योगर्ट लिया है और बाकी के सारे मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे। तो बस अभी इसे पहले अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स। सो बस अभी इसमें बाकी के जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, वो डाल देंगे। जैसे कि कलर के लिए मैं सिर्फ डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये कलर वाला था। और उसके साथ ही हमारे पास जो मसाला है वो है शान का निहारी मसाला, मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत ही जल्दी और झटपट सी बन जाती है और सबको बहुत पसंद आई थी ये, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत ईजी थी ये रेसिपी। इसमें मसाले वगैरह कुछ आपको बनाने नहीं है, सिर्फ फ्रेडी मसाला शान का जो होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है, उससे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो मसाला डाला है शान का निहारी और उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर देख लूँगी तो कम लगेगा तो फिर से हम थोड़ा सा मसाला और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 2 से 3 सीटी मैंने इसे रखा हुआ था करीबन 30 मिनट से, 30 to 40 मिनट्स के लिए मैंने इसे कुक किया था और स्लो पे ही कुक किया था, फास्ट नहीं किया था मैंने गैस को सीटी लगाने के टाइम पे। अभी तो फिलहाल मैंने फास्ट किया था और अभी फिर से स्लो कर दिया है क्योंकि हमने इसमें दही डाली है और अभी मसाले डाले हैं, बट मुझे यहाँ पे देखिए थोड़े से कम लग रहे हैं, तो मैंने कहा था फिर से हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून और मैंने इसमें ऐड कर दिए, टोटल मैंने 4 टेबल स्पून इसमें मसाले डाल दिए। तो बस मैंने इसमें घर का मसाला कुछ नहीं डाला, सिर्फ रेड चिली डाली है कलर के लिए और दही वगैरह डाला है बस, और कुछ नहीं डाला। शान का मसाला जो है वो यूज़ किया है और ये देखिए इतने अच्छे से ये मिक्स हो गया है और कोट हो गया हमारा मसाला। तो बस ये मसाला जो है इनफ है, तो अभी इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं, बस हल्का सा पानी इसमें जाएगा। तो जो दही का बाउल था बस मैं उसमें पानी डाल के मिक्स करके अच्छे से इसमें डाल दूँगी। तो एक ही बाउल बस पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, देखिए
अगर कम लगेगा तो थोड़ा पानी हमें और ऐड करना है। तो मिक्स करेंगे और पानी जैसे कि थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। सो बस अभी मैं यहाँ पे अच्छे से मसाला भून गया है तो अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। 1/4 है तो बस इसमें हल्दी डाल के देखिए मैं इसे मिक्स कर दूंगी और इसे कवर करके हम कुक कर लेंगे 2 से 3 सीटी लगने तक के। तो 30-35 मिनट्स हमें इसे कुक करना है या जब तक कि आपका जो मीट है वो टेंडर ना हो जाए जब तक कि हमें कुक करना है। तो बस अभी मैं इसे कुकर को कवर लगा दूंगी। ये देखिए इतना अच्छे से मसाला भून गया है और अभी इसे अच्छे से कवर हमें कर देना है, उसके बाद हम कुकर खोल के देखेंगे जब ये कुक हो जाएगा। तो सो बस यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नली निहारी है ये तरी कितनी अच्छी आई है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है, गोश्त जो है सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे आटा मैंने लिया है, उसमें मैं पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना रही हूँ, गेहूँ का आटा है। बस इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्लरी बना लेना है और कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो बस इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे भी दी हुई है बट मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा बनाया है नली निहारी को। और ये देखिए अब ये जो रेडी है इसके अंदर हम आटा डाल देंगे स्लरी और इसको कुक करेंगे करीबन 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है तो वो कच्चा नहीं रहना चाहिए और उसका गाढ़ापन जो है हमारे सालन में अच्छे से आ जाएगा। तो बस इसे 10 मिनट और कुक करना है फिर ये रेडी है। सो ये देखिए इतना अच्छे से ये गल गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये देख के। तो 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक किया, उसके बाद में जब ये मैंने फ्लेम ऑफ़ किया तो उसके अंदर मैंने लेमन जूस डाल दिया था और हाफ लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है फ्लेम ऑफ़ करने के बाद और ये रेडी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्व किया है और ये बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तो इसको मैंने गार्निश किया है ग्रीन कोरिएंडर लीव्स और जिंजर जूलियन के साथ में और इसे सर्व किया है मैंने चावल की रोटी के साथ में और लच्छे अनियन एंड लेमन वेजेस के साथ में। तो आप ज़रूर खाइएगा और ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था चावल की रोटी के साथ में, तो बहुत ही अच्छा बना था और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो बहुत ही मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी रेसिपी शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।